मैंने जमीन ले रखी है पेल में, और यही रहते हैं। क्या बेचने हो यहाँ पे? सरसों। भाई तो बढ़िया, हमने के पता पे बढ़िया। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान वहाँ पे बैठे हैं, वो सही बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो मेरे किसान भाइयों के लिए है। इस वीडियो में मैं अनाज मंडी खैरतल अलवर राजस्थान जा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस भाव में फसल खरीदी हुई बेची जाती है, क्या किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलता है या फिर औने पौने दाम में खरीदी जाती है। किसान भाई पिछले कुछ महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, क्या उनका बैठना जायज़ है? हाँ, लेकिन ये बात तो जायज़ है कि हमारे किसान भाइयों की उनकी फसल का उचित रेट तो नहीं मिलता, ये सब तो आप जानते हैं। चार कर्मचारी बैठकर ये तय कर देते हैं कि गेहूं की MSP रेट क्या रहेगा, बाजरे का क्या रहेगा और अन्य फसलों का क्या रहेगा। काले कोट गुलाबी अखबार वालों तो ये बात बोल देते हैं, किसानों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, ये अंग्रेजी बोलते हैं, जींस पहनते हैं, इनकी आय पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस वीडियो में पूरी हकीकत पता चलेगी। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो में मैं किसान भाइयों से भी बात करने वाला हूं कि उनकी फसल का क्या रेट मिला उन्हें, इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मुझे यकीन है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों, हम खैरतल अनाज मंडी अलवर राजस्थान में आ चुके हैं। यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये खैरतल अनाज मंडी है। हम यहाँ पे अब किसान भाइयों से बात करेंगे, अनाज मंडी में जाएंगे, आपको पूरा अनाज मंडी दिखाएंगे, खैरतल आटा क्या होता है। दोस्तों, यहाँ से अनाज मंडी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या मात्रा में सरसों आई हुई है, क्योंकि अभी फसलें कटी हुई थी तो सभी किसान भाई अपनी सरसों की फसल लेकर अपने खैरतल अनाज मंडी में आ चुके हैं, क्योंकि किसान भाइयों को पैसों की ज़रूरत भी होती है। 6-7 महीने बाद फसल आती है तो उनको बेचना होता है, तो फिर शादी भी करनी होती है तो उस टाइम भी पैसा चाहिए, नहीं कर पाते ज़्यादा, तो वो जब फसल कटते हैं तो सीधा अपने मंडी ले आते हैं। तो इस टाइम अनाज मंडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में सरसों आ रही है और सरसों की फसल है। यहाँ पर मैं आपको पूरी खैरतल अनाज मंडी को दिखाऊंगा कि कैसे क्या होते हैं वहाँ पर, फसल कैसे पड़ी हुई होती है कुछ मात्रा में, क्या वहाँ पे आड़ती आते हैं, बोली कैसे लगती है, सारी इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना।
देखो यार कितना शानदार व्यू है, वाह सबसे बढ़िया व्यू मेरे को नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको जो है सरसों दिखाई दे रही होगी, ये सरसों है। ये किसान भाई जब अनाज मंडी में आते हैं सरसों बेचने के लिए, तो किसान भाइयों से कम पैसे देकर आढ़ती सरसों को ख़रीद लेते हैं और उसके बाद उस सरसों को सड़क पर सुखाने के लिए घेर देते हैं, जिससे कि उसकी जो नमी है वो नमी की मात्रा कम हो जाती है, और जब नमी कम हो जाती है तो उसको अधिक भाव में आढ़ती बेच देते हैं। और आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि ट्रैक्टर जा रहा है, और ये ट्रैक्टर सरसों के ऊपर से जा रहा है इसको ख़त्म करते हुए रोनते हुए। तो यहाँ पे अच्छा लगा, जो सरसों की जो फसल थी ये सुखाने के लिए आड़ती डाल रखे हैं, किसान भाइयों ने पहले ही बेच दी थी सरसों, तो किसान भाइयों को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं किया इस ट्रैक्टर वाले ने, जो है वो आड़तियों किया है। तो आप यहाँ पे सभी जो है वो यहीं घेर रखी है पूरी सड़क पे, ये सड़क सरसों है वो घेर रखी है, ये आड़तियों ने घेर रखी है जिनसे किसान भाई वहाँ पे सरसों लेके जाते हैं, उन्होंने घेर रखी है यहाँ पे कि सूखने के लिए। तो आपको ये मतलब अच्छा व्यू नज़र आ रहा है, पर जब ये वेस्ट होता है तो थोड़ा सा तकलीफ भी होती है कि सरसों वेस्ट हो रही है, कुछ ट्रैक्टर वगैरह वाले जैसे अभी देखा आपने इसको रोनते हुए जा रहे थे, तो थोड़ा दुख भी होता है। वैसे चलो अच्छा है, कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे ये सी ब्लॉक है यहाँ पे खैरतल अनाज मंडी का, तो इसमें भी पूरी सरसों है, सरसों नज़र आ रही है आपको। यहाँ पर जो है बोली स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे बोली लग रही है, तो यहाँ पे जो किसान हैं वो पीछे खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उनके हाथ में कुछ नहीं है। आप जो हाथ में हैं वो ये बैठे हुए हैं तीन चार व्यक्ति जो सरसों खरीदते हैं उनके हाथ में, कि वो किस हिसाब से बोली लगाते हैं, कितने रुपए में ख़रीदारी करते हैं, सरसों को खाते भी जा रहे हैं। ये लगातार बोली लगा रहा है कि 41, 42, 43, 44, 45, 100, 140, 147 ऐसे बोलता जा रहा है, एक दो जैसे बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो ये इनकी वॉइस है वो तो नहीं सुना पाऊँगा, क्योंकि जो बैकग्राउंड म्यूजिक था यहाँ पे, तो वो मैं यहाँ पे कॉपीराइट होता है यूट्यूब पे, तो वो नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक जो व्यक्ति है ये बोल जो आड़ती है ये बोल रहा है लगातार 41, 42, 43, 44 ऐसे बोलते हैं, और जो ये बैठे हुए हैं ये ख़रीदार होते हैं जो सरसों को ख़रीदते हैं, इनकी मील्स वगैरह होती है तेल की, तो वो यहाँ से सरसों को ख़रीदते हैं, तो उनको जितना अच्छा लगता है कि भाई इतनी परसेंटेज में तेल की मात्रा है, तो वो उसी हिसाब से बाई करते हैं सरसों को। इसमें किसान भाई चुपचाप पीछे खड़े हो जाते हैं, जैसे ऑक्शन में होता है उसी टाइप से बोली लगती है, जो ज़्यादा पैसे देता है वो आड़ती उसी को सरसों सौंप देता है। तो यहाँ पे लगातार वही बिडिंग चालू है कि 4100, 4200। अब यहाँ पे जो सरसों बिकी है लास्ट, ये 4980 रुपये तक सरसों बिकी है इस जगह पे जहाँ पे हमने ये वीडियो शूट किया था। अब किसान भाई, हमने किसान भाइयों से भी बारे में बात की तो वो खुश हैं, क्योंकि उनको पता है भाई वापस लेके जा नहीं सकते, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आता है वापस ले जाने में सरसों का, क्योंकि अब यहाँ पे आ गए, अब वापस घर ले जाना है, दोबारा से वापस लेके आनी है सरसों को, तो उनको कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि मंडियाँ 5 किलोमीटर के अंदर 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर भी नहीं है, यहाँ पर 30 किलोमीटर दूर से अपनी फसल को बेचने के लिए आते हैं, तो उनका किराया ज़्यादा लग जाता है, खुद के पास जब साधन नहीं होता तो किराए वाले उनसे ज़्यादा रुपए ले लेते हैं, लेकर आड़ती के पास आ जाते हैं तो उनका पास कोई चारा नहीं होता सरसों के बेचने के अलावा, इसलिए वो वहाँ से बेच कर ही जाते हैं। तो यहाँ पे तो वो खुश हैं, क्योंकि उनको 4900 कुछ समथिंग पैसे मिल चुके हैं। जो ये है ये आपको काटा नज़र आ रहा होगा, ये काटा सरसों की जो है वज़न को तोलने के लिए यूज में किया जाता है, वज़न को तोला जाता है कि कितनी सरसों क्विंटल में होती है, और ये यहाँ पे बोरियाँ भरी गई हैं, और यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं काटे वगैरह में, तो कि भाई कोई काटा कहीं बोरियों में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बराबर मात्रा में तुलाई होती है। कहाँ से आए बताओ?
हमारे ने जमीन ले रखी है पेल में, यही रहते हैं। क्या बेचने हो यहाँ पे? सरसों। सरसों फिर क्या रेट बिकी आपकी सरसों? मेरी भाई 52। 52 रुपये रेट बिकी है सरसों की। अच्छी सरसों थी क्या भाई? तो बढ़िया है, हमने बढ़िया। अच्छा अच्छा, फिर किस से आए हो आप, ट्रैक्टर लेके या फिर कोई दूसरे पिकअप वगैरह कहीं सामान लेके? ऐसा कुछ पिकअप पिकअप किराए पे करके लाए हो? हमारी है गाड़ी, खुद घर की। अच्छा, खुद घर की है। फसल अच्छी हुई है? फसल तो पानी नहीं है, पानी ख़त्म हो गया है। मेहनत तो बहुत लगती है सरसों उगाने में। क्या करें, पानी नहीं है जो भाई। तो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान वहाँ पे बैठे हैं, वो सही बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? हमारा हिसाब से गलत बैठे हैं। गलत बैठे हैं क्यों? क्योंकि हमें जरूरत नहीं चढ़ी इसकी। MSP पे खरीद हो रही है? MSP तो यहाँ तो है नहीं ना हरियाणा में। नहीं यहाँ पे तो नहीं है। आपकी तो अच्छी बिक गई, 4500 से ऊपर बिक गई, आपकी तो 5200 बिक गई, लेकिन जो 4800 रुपये में बिकती है उनका क्या होगा फिर? तो सुखा के लाए माल। चलो ठीक है, माल को सुखा क्यों ना लाए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको बोली पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।